आप सब दोस्तों, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हमजा और आज आपका भाई जा रहा है अपने बेगम के साथ जीपी रजिस्ट्रेशन। तो हेल्थ इंश्योरेंस का मैं आपको बता देता हूं कि यूके के साथ आप किस तरह आप करीबी अपने हॉस्पिटल में जाके फिजिकली किस तरह रजिस्टर करवा सकते हैं। तो यार जीपी, आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि जीपी क्या चीज़ होती है। आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, आप पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश, जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, जिस वीज़े पे भी आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं या डिपेंडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, तो आप अपनी कंट्री से जो है ना वो हेल्थ इंश्योरेंस पे करके आते हैं, ठीक है। और जो कि यहाँ पे आप आते साथ जब भी यूके में लैंड होते हैं तो आपने सबसे पहले अपने जो है ना करीबी जहाँ पे भी आप अकोमोडेशन आपकी है उसके करीबी जो भी आपको हॉस्पिटल वगैरह है तो उस हॉस्पिटल में जाके आप फिज़िकली विज़िट करें, उनके पास जाएं और अपना जो है ना जीपी आपने रजिस्टर करवाना है। तो दोस्तों, जीपी रजिस्टर करवाने का फ़ायदा क्या होता है कि आप यहाँ पे आपको किसी किस्म का भी आपको मेडिकली ट्रीटमेंट जो भी करवाना होता है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है, जो कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना अपने कंट्री से ही पे करके आए होते हैं, एक साल की, दो साल की, जितनी भी साल की आप पे करके आए होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे आते साथ जितना भी आपको ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, ये इसका फ़ायदा। तो भाई साहब, अभी मैं जा रहा हूँ जीपी रजिस्टर करवाने, ठीक है, तो वहाँ पे जाके मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बना सकूँ। अगर उन्होंने परमिशन दी तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा कि क्या प्रोसीजर है जीपी रजिस्टर करवाने, ठीक है। तो दोस्तों, हॉस्पिटल में गया था तो वहाँ पे उन्होंने वीडियो बनाने दी, उनका कोई सिक्योरिटी कोई इश्यूज़ वगैरह थे, लेकिन वहाँ पे कुछ उनकी कुछ मीटिंग वगैरह थी तो रिसेप्शन पे कोई अवेलेबल भी नहीं था। लेकिन उन्होंने बता दिया कि आप जो ना ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, फिज़िकल भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिज़िकल थोड़ा मैं आपको गाइड कर देता हूँ क्योंकि मैंने फिज़िकल की भी वहाँ पे जो है ना इन्फॉर्मेशन ले ली थी। तो आप वहाँ पे फिज़िकल में ये होता है कि आपको वो एक फॉर्म देते हैं, वो अपने काफ़ी जो है ना लेंथी फॉर्म होता है, उसको आपको सारा फिल करना पड़ता है और वो फिल करने के बाद आपको अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होता है, साथ अपनी आपको एक पिक्चर वहाँ पे पासपोर्ट साइज लगानी होती है जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, और आपकी सारी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो भी आपकी होती है, वो आपको सारी मेंशन करनी होती है। तो वो पूरा फॉर्म जो है ना आपने उनको सबमिट करवा देना होता है और कुछ देर बाद ही जो है ना आपको ईमेल आ जाती है कि आप जीपी में जो है ना रजिस्टर्ड हो गए हैं। जो भी आपका डॉक्टर होता है पर्सनल डॉक्टर, तो पर्सनल डॉक्टर आपको जो है ना एलोकेट कर देते हैं जो कि सिर्फ आपके ही होते हैं। आप अपना डॉक्टर चेंज भी करवा सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन होती है, कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने फिज़िकल अप्लाई नहीं किया और अब मैं ऑनलाइन अप्लाई करने लगा हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो भाई साहब, आपने सबसे पहले गूगल पे आ जाना और गूगल पे आके आपने सिंपली लिखना है सर्जरी रजिस्ट्रेशन यूके। सर्जरी रजिस्ट्रेशन लिख लीजिएगा या आप जीपी रजिस्ट्रेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, और एनएचएस की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। हाउ टू रजिस्टर विद अ जीपी सर्जरी, ऑनलाइन में आपको ये तरीकाकार बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है फाइंड अ जीपी का, ठीक है, इस पर आपने सबसे पहले क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है एरिया कि आप किस एरिया में, तो जैसे डब्ल्यूटी 17 2QH मैंने सर्च कर लिया। अपनी अकोमोडेशन का आपने पोस्ट कोड जो होता है वो आपने मेंशन करना है और मेंशन करने के बाद आपने सर्च कर लेना है, ठीक है। आपके एरिया में जितने भी जीपी होंगे, जितने भी हेल्थ सेंटर होंगे, हॉस्पिटल होंगे, उनकी सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जहाँ पे आपकी अकोमोडेशन है। अब ये सबसे पहले ऊपर जो आ रहा है, ये नीचे उसका एड्रेस भी लिखा आ रहा है, आप एड्रेस को भी देख सकते हैं। आपकी अकोमोडेशन जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ से नियर बाय कौन सा है वो आप ये भी देख सकते हैं। ऊपर लिखा भी आ रहा है डिस्टेंस 0.3 माइल्स आ रहा है, 0.4 माइल्स आ रहा है, वाटफोर्ड हेल्थ सेंटर आ रहा है। यहाँ पे कुछ जैसे अब यहाँ पे ये लोग ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ ऐसे अभी यहाँ पे हेल्थ सेंटर है जो ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे अब वाटफोर्ड हेल्थ सेंटर जो है ना, अगर आप इस पे जाएंगे ना इनकी अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, इनकी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा ऑनलाइन का, और ऑनलाइन का जो ऑप्शन होता है मैं बताता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे लिखा आ रहा है रजिस्टर ऑनलाइन विद दिस जीपी। आप सिंपली यहाँ पे रजिस्टर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है ना आपको ले जाएगा, ठीक है, उसकी डायरेक्ट साइट पे ले जाएगा एनएचएस के ऊपर। और यहाँ पे आपको सारी अपनी अपनी सेल्फ के लिए आप रजिस्टर करवाना चाह रही हैं। और मैं आपको दूसरा, मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ ऐसे भी सेंटर है जैसे वाटफोर्ड हेल्थ सेंटर है, यहाँ इसके ऊपर आप इनकी अपनी जो वेबसाइट है वाटफोर्ड हेल्थ सेंटर, आप वहाँ पे जाके अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एनएचएस के ऊपर इनका कोई ऑप्शन नहीं आ रहा,
कि आप ऑनलाइन कैसे इसको रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आप इनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इजीली। यहाँ पे जो एनएचएस की वेबसाइट के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा था वुड यू लाइक टू साइन इन विद एनएचएस लॉगिन। अभी आपके पास एनएचएस लॉगिन नहीं है तो आप कंटिन्यू विदाउट कर लेंगे। यहाँ पे आपकी डिटेल्स मांगेंगे, फर्स्ट नेम आ जाएगा, अगर मिडिल नेम है तो ठीक है, अदरवाइज आप लास्ट नेम मेंशन कर दें, प्रीवियस लास्ट नेम, दिस इज एन ऑप्शनल फील्ड, आपका कोई है प्रीवियस लास्ट नेम तो मेंशन कर दें, अदरवाइज कंटिन्यू कर दें। डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिएगा, ये मेरी नहीं है, आप ये ना समझिएगा कि मेरी है। डू यू नो योर एनएचएस नंबर, आपके पास अभी एनएचएस नंबर है नहीं तो आप एनएचएस नंबर, मैं आपको बताता हूँ, जब आप रजिस्टर हो जाते हैं ना किसी जीपी के रजिस्टर पे, तो आपको घर पे जो एनएचएस के थ्रू एक पोस्ट आती है उसके ऊपर एनएचएस नंबर होता है, ठीक है। नो कंटिन्यू विदाउट, आर यू रजिस्टरिंग विद अ यूके जीपी फॉर द फर्स्ट टाइम, यस, ठीक है, ये सारी चीजें आ रही हैं, आप एक दफा इनको मेक श्योर कर लीजिएगा कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। प्लीज कंफर्म दिस आर द करेक्ट डिटेल्स फॉर द पर्सन रजिस्टरिंग विद द एलएमएस सर्जरी डॉक्टर ए अहमद, ये वो जो भी हॉस्पिटल का मैं आपको बता रहा था, ये मैं उनके पे रजिस्टर नहीं करा लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा था, ये करने के बाद आप इसको करिएगा, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मैनेज योर डिटेल्स ऑन डेटाबेस वी नॉट एक्सेस योर मेडिकल, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो स्टेप थ्रू टू आ जाएगा, डू यू हैव अ करंट यूके एड्रेस, यस, आपसे वो डिटेल्स मांगेंगे सारी, आपका जो भी हाउस नंबर है हाउस नंबर लिख दीजिएगा, नीचे आपका पोस्ट कोड आ जाएगा, ठीक है। अपना आपने यहाँ पे फोन नंबर मेंशन कर देना, फोन नंबर आपने मेंशन कर देना है, ये मेरा फोन नंबर नहीं है और कोशिश भी ना कीजिएगा इस पर ट्राई करने का, ये पता नहीं किसका मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया, और ना ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है। कंटिन्यू कीजिएगा, और उसके बाद आप फीमेल है या मेल है, एशियन में देखिए यहाँ पे पाकिस्तानी आ रहे हैं, इंडिया से या तो इंडिया, बांग्लादेश से हैं या जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो आप मेंशन कर दीजिएगा। बैकग्राउंड अगर इंडिया से है तो इंडिया, पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं या जहाँ से भी हैं, आप अपने अपने ऑप्शन साथ साथ सिलेक्ट करते रहिएगा। पे आ जाता है डू यू नीड अ लैंग्वेज इंटरप्रेटर, अगर आपको इस चीज़ की जरूरत है तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें, मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं थी। वुड यू लाइक टू चूज आर चेंज आर फार्मेसी फॉर योर प्रिस्क्रिप्शन, नो, आर यू रजिस्टर्ड विद द डिफेंस मेडिकल सर्विस, नो, डू यू हैव एन इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, अगर आप कोई इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहती हैं, जैसे आप अपनी वाइफ का देना चाह रही हैं अपने हस्बैंड का देना चाह रही हैं तो आप वो दे सकती हैं, यस कर दीजिएगा, तो आगे आपसे पूछ लेंगे वो इमरजेंसी नंबर किसका आप देना चाह रही हैं, तो जैसे अगर मैं अपनी वाइफ का देना चाह रहा हूँ, ठीक है, बेगम मेरी का नाम और फिर दोस्त है, मैं वैसे यहाँ पे मानो लिख रहा हूँ, रिलेशन वाइफ, दिस पर्सन इज माई नेक्स्ट ऑफ किन, और नीचे इसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं आप, हैव यू रिसेंटली मूव टू द यूके फ्रॉम अनदर कंट्री, यस, प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर, आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। मेरी थी जी 22 अगस्त 23, अगर तो आप यहाँ से मूव हुए हैं तो यस कर दें, नो, डू यू हैव एनी एलर्जीज, अगर आपको है तो आप कर दें, अगर नहीं है तो नो। डू यू हैव एनी मेंटल हेल्थ कंडीशन, ये आप देख देख के साथ साथ ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिएगा। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटीज, उसके मुताबिक आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन, नो। डू यू नीड एनी रिस्पॉन्सिबल एडजस्टमेंट टू मेक योर विजिट रिस्पॉन्सिबल, नो। ये आप सारे ऑप्शंस आप पढ़ते जाइएगा उसके मुताबिक कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं इस चीज की समझ आ रही होगी, आपसे अगर आपका वेट पूछ रही है तो आप गूगल पे लिख के जो है ना उसको कर लीजिएगा ट्रांसफर, किलोग्राम टू स्टोन, जितना भी आपका वेट है उसके मुताबिक, सारी चीजें आप पढ़ते जाइएगा, और आपके रिलेटेड कोई चीज है तो
तो आप उसको भेजिएगा। और लास्ट पे आपका ये आगे का चेक योर डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन टू द, जो भी आप सर्जरी पे रिसर्च करवा रहे हैं उसका नाम लिखा रहा होगा डॉक्टर ए अहमद। ये सारी चीज़ें आपने मेक श्योर कर लेनी है, पूरी एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा सारी चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक मेंशन किया। अगर कोई चेंज नहीं करना चाह रहे हैं तो उसके साथ ही ऑप्शन होता है चेंज का, ठीक है। आपने चेंज करना है सारी चीज़ें रीड आउट करके और एक्सेप्टेंस सबमिट कर देना। मैं यहाँ पे इस टाइम एक्सेप्टेंस सबमिट इस वजह से क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिया हुआ, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से जो है ना अपना ऑनलाइन जीपी रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसे सर्जरी भी कहती है, जिसे जीपी भी कहती है। तो भाई साहब ये तरीका था ऑनलाइन अप्लाई करने का, ठीक है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो कन्वीनियंट वे लगा है वो ऑनलाइन लगा है। तो भाई साहब मैं भी आपको यही कहूँगा कि भाई आराम सुकून के साथ जो है ना घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई करें, जीपी रजिस्टर करें, ठीक है अपना। और जितने भी लोग आने वाले हैं जो आ चुके हैं जिनको नहीं पता कि जीपी कैसे रजिस्टर करवाना है, तो भाई साहब मेरी इस वीडियो को उनके साथ लाजमी शेयर कीजिए। तो मेरे भाइयों वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए और अभी जाके जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। बहुत एफर्ट होती है एक वीडियो बनाने के लिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जितनी भी मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक इजीली पहुंच सकें। और अपने भाई को दें इजाज़त, अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।